हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 8B। ओके, क्वेश्चन नंबर 1-5। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8B एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल एंड पुट स्मॉलर ग्रेटर। ओके, स्मॉलर एंड ग्रेटर। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें कंपेयर करना है किसी भी डेसिमल नंबर को, कंपेयर करके पुट द साइन स्मॉलर एंड ग्रेटर या इक्वल यूज करना है, तो कैसे हम करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का कंपेयर, डेसिमल नंबर का कंपेयर करने से पहले उसे आप लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर लाइक टर्म है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे आप पहले कन्वर्ट करिएगा, फिर उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। ओके, तो हम आपके सामने 3 क्वेश्चंस लाए हुए हैं स्क्रीन पर, ए, डी एंड जी। तो हम इस 3 को देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब आप कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं क्या वो लाइक टर्म में है, अगर है तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 2.4 और 5.5, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो दोनों बिल्कुल लाइक टर्म में है, यानी जो डेसिमल पार्ट अगर सेम हो गया तो वो लाइक डेसिमल में आ जाते हैं, ठीक है ना। जब ये सेम हो गए तो अब कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों का आप होल नंबर देखिए। सबसे पहले आप होल नंबर देखा करिए। होल नंबर अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिसमल के पहले का जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? होल नंबर होगा। तो ये 2 है, ये 5 है, तो होल नंबर से ही क्लियर हो गया कि दोनों में कौन ग्रेटर है। 2 और 5, तो दोनों में कौन ग्रेटर हुआ? 5। 2 स्मॉलर हुआ, 5 ग्रेटर हुआ। तो अगर ये 5 ग्रेटर है होल पार्ट में, तो डेसिमल में चाहे जितने भी होंगे वो भी ग्रेटर ही रहेंगे, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? ग्रेटर। तो ग्रेटर साइन आप यूज कर दीजिए ऐसे। ओके, डी का देखिएगा। अब डी में देखिए, इसमें 2.2 है और 2.02, तो ये अनलाइक टर्म है क्योंकि डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 हैं। तो पहले आप इसको बराबर करिए। बराबर करने के लिए आप डाउन साइड में एक लाइन में अपना नोट कीजिएगा 2.20 ऐसे। ओके, उसी के नीचे फिर अगला है 2.02, ये आपका हो गया। ओके, अब देखिए ये 2.20 2.02, तो पहले आप होल नंबर कंपेयर करिए, 2 2 इक्वल है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, डेसिमल डेसिमल हो गया। फिर अगला है 2 और 0, तो जब 10th हमारा 2 0 है तो इसमें कौन ग्रेटर है? तो 2 ही ग्रेटर होगा, 0 तो स्मॉलर हो जाएगा। जब ये ग्रेटर हो गया तो आपको आगे देखना ही नहीं है, तो ये ग्रेटर है तो आपका ये वाला ग्रेटर हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। ओके, इस तरीके आप कंपेयर करेंगे, यानी एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे तो आपको आने लगेगा। जी में है 6.9 6.1, तो आप सेम ए वाला है, जैसे ए मैंने आपको सिखाया सेम वही चीज़ यहाँ भी है, 6.9 इज ग्रेटर। ओके, इस तरीके आपको क्वेश्चन नंबर 1 सभी क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएंगे आप करेंगे तो। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल। अब आपको इसमें क्या बताना है ये भी देखिए। आपको इस जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं उनमें स्मॉलेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 8.06, देखिए यही प्रोसेस यहाँ भी लगेगा। सबसे पहले हम इसे लाइक डेसिमल में बनाएंगे, लाइक डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, फिर होल नंबर से आप इसका कंपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 8.06 एक नंबर आया, तो इसे आप बनाएंगे। 0.86 इसमें 2 डिजिट, 86.0 इसमें 1 डिजिट। चलिए सबसे पहले हम लाइक डेसिमल बनाते हैं, ठीक है ना। लाइक डेसिमल देखिएगा, आप हम इसी के नीचे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 8.06 ये आपका है, फिर कॉमा 80.60, ठीक है, फिर 0.86 ऑलरेडी है, 86.010 और लगा दीजिए, ये हो गया। अब आपको इनमें से ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो मैंने अभी अब क्या सिखाया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप देखना चाहेंगे तो आप होल पार्ट को ही देखेंगे। इसमें आपका 8 है, इसमें आपका 80 है, इसमें आपका 0 है, इसमें आपका 86 है। 8 0 से ग्रेटर, 8 8 80 86, सबसे ग्रेटर 86 है, उसके बाद 80 है, फिर 8 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? आपका 0.86, ये देख रहे ना, ये इसमें 0.86 यही सबसे आपका स्मॉलेस्ट हुआ, सॉरी ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका यही नंबर हुआ। तो आप इसमें सीधे लिखिएगा स्मॉलेस्ट, आप ऐसे इसी पे के नीचे एक लाइन में आप लाइक टर्म बनाने के बाद इसमें लिख दीजिएगा स्मॉलेस्ट नंबर
इज इक्वल टू 0.86। ओके, अब इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, इसी टाइप में आप इसी फॉर्म पे लिखिएगा, ओके ना, जिस फॉर्म पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर टू, ये देख रहे हैं ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर 0.86। ओके, ऐसे आपका बी का होगा, देखिए बी में भी है 16.68, 166.8, 1.668, 16.64। तो लाइक डेसिमल बनाएंगे तो पहले हम सबसे मैक्सिमम देख रहे हैं 0.66668, थ्री डिजिट है, तो इसमें बनाइए एक जीरो, इसमें दो जीरो, इसमें भी आपका बना ही है, इसमें भी एक जीरो। अब स्मॉलेस्ट सबसे पहले किसको हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे आपका जो है होल पार्ट, इसमें 16 फर्स्ट वाले में है, सेकंड में 166, फिर 1, फिर 16, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 1.668। तो अब जब अगर यह हमारा वन ही होल पार्ट ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 1.668 भी स्मॉलेस्ट ही होगा डेसिमल पार्ट, चाहे जितना लेंदी में हो, चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो हमारा 1.668 सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना, इस तरीके आपका क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर टू का अपोजिट है, उसमें हमने आपको स्मॉलेस्ट बताया, तो यहाँ हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर। तो इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस वही चलेगा, पहले आप इसे क्या लाइक में बनाइएगा, 63.50 बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए डेसिमल 350, तीन स्टेप है, तो तीन स्टेप आपको सब में कर लेना है, थ्री स्टेप सब में करना है, 63.500, 6.350, 63.000, इसमें भी 605.300। अब इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री का ए, ठीक है, देख रहे हैं, ये आपका स्क्रीन पर आ गया। ओके, ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, अब जैसे स्मॉलेस्ट मैंने आपको वाच करना सिखाया, वैसे ग्रेटेस्ट भी होगा। ग्रेटेस्ट में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो होल पार्ट ग्रेटर हो, जैसे इसमें देखिए 63, इसमें 6, इसमें 635, इसमें 605, तो बताइए सबसे ग्रेटर कौन है, 635, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 635 इज ग्रेटर नंबर ऑफ द फॉल ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका बी का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, ये देखिए 92.167, इसको भी आप लाइक टर्म बना लीजिएगा जीरो लगा के, ठीक है ना, ये जीरो लगा के लाइक टर्म बना लीजिए। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर होल पार्ट को ही आप देखिए, 92 है, 9 है, 29 है और 9216, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 9216, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके आप क्वेश्चन नंबर थ्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। ओके, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, यानी जो आपको नंबर्स दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में हम कब बनाएंगे, जब हमारे पास लाइक टर्म में नंबर्स होंगे, और लाइक टर्म में नंबर नहीं होंगे तो आप उसे पहले कन्वर्ट करिएगा। कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया जिसमें डेसिमल पार्ट सबसे ज़्यादा हो, उसमें जितने डिजिट होंगे उतने आप सभी में करेंगे, आपको जितना भी जीरो यूज करना है आप बैक साइड में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर में देखिए 281.39, 468.38, 3.961, इसमें देखिए थ्री डिजिट आ गया, तो इसमें दो जीरो जीरो आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना, 2.638, 2.579। अब इसका जब हम बनाएंगे तो फिर उसी तरीके हम वॉच करेंगे जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखना हो या सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे पहले होल पार्ट पे ही जाइए, जब वो इक्वल हो जाएगा तब टेंथ पे जाइए, फिर वो इक्वल हो जाए हंड्रेड पे जाइए, इस तरीके एक एक करके बैक करके जाइए, जहाँ ग्रेटर मिल गया वही आपका सब ग्रेटर कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसका हम क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का ए आ गया आपके स्क्रीन पर, ठीक है, 281.390, 461.380, 3.961, इस तरीके, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन होगा, 281, ये तो बड़ा है, 461 ये भी बड़ा है, 3.961 वो दोनों बड़ा हो गया, ये छोटा हुआ। अब इससे भी छोटा देखिए स्मॉलेस्ट 2.638, ये इससे छोटा हो गया। अब इससे भी छोटा देखिए है, यस,
2.6, 2.5, 5 छोटा है ना, तो आपका ये पूरा नंबर ही छोटा है। 2.579 सबसे छोटा, तो इसको सबसे पहले रखिए असेंडिंग में, देखिए 2.579। इससे बड़ा 2.638, इससे बड़ा है लेकिन 3.96 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 2.638। फिर 2 के बाद आएगा 3.961, फिर अब उसके बाद आपका देखिए 281.390 और सबसे ग्रेटर है 461.380, इसको लास्ट में रखिएगा। ओके, जब आप इसका आर्डर प्रिपेयर कर लेंगे, तो आर्डर प्रिपेयर करने के बाद आप उसी क्वेश्चन का जो जीरो आपने लगाया उसी को हटा के फिर से लिख देंगे। 2.579 में कोई जीरो नहीं लगा तो वो आ गया, 2.638 इसमें भी कोई जीरो नहीं, वो भी सही है, उसी के नीचे नोट करिए। 3.96 इसमें भी नहीं लगाए थे आप, इसको भी नोट करिए। अब देखिए इसमें आपने लगाया था 0.39 के पीछे एक जीरो लगाया था, उसी जीरो को हटा के लिखिएगा 281.39। इसमें भी एक जीरो लगाया, उसको भी हटा के लिखिए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी में देखिए 7.7 एक जैसा नंबर दिख रहा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वो एक जैसे नंबर नहीं है, वो पूरे चेंज हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी होल पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों सेम नहीं है, कहीं ना कहीं वो अलग हैं। अब यहाँ देखिए 7.777G, ठीक है, तीन बार है तो इसमें तीन स्टेप सब में करना है। 77.7710 आप लगा लीजिए, अब देखिए डेसिमल पार्ट सेम हो रहा है, इसमें भी एक जीरो लगा लीजिए, इसमें भी आप एक जीरो, इसमें टू जीरो लगा लीजिए। अब असेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा, इसमें सेवन है, इसमें 77, क्या सेम हुआ? नहीं हुआ, जबकि एक जैसे दिख रहे थे लेकिन हुआ नहीं। ये सेवन है वो 77 है, दोनों डिफरेंट हो गए। ये सेवन है 770, ये भी डिफरेंट हो गए। ये 777 है, ये भी 770 है, इसमें 770, इसमें 700 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कौन है? सेवन से ही होगा, दो सेवन है, दोनों सेवन में देखिए आप वाच करिए, ये 7.777 है, ये 7.770 है, इसमें तीन तक सेम है, ठीक है ना। अगला जीरो है, सेवन है, तो कौन स्मॉलेस्ट हुआ? जीरो वाला, तो 7.770 हो गया, ठीक है ना। अगला फिर नंबर आएगा 7.77, ठीक है ना, फिर 77 का आएगा, फिर 777 में किसका नंबर आएगा? 700 का आएगा, फिर लास्ट में आएगा 777.770। ओके, फिर उसके बाद अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि जो नंबर आप जीरो यूज करते हैं उसी के नीचे आप उन्हीं जीरो को हटा के फिर से राइट कर लेंगे। पहले में जीरो आपने लगाया था 7.77 कर लीजिए, हटा दीजिए जीरो को, दूसरे में नहीं लगाया, तीसरे में भी लगाया उसमें भी सिर्फ जीरो हटा दीजिए, बाकी सेम नोट कर लीजिए। अगले में भी लगाया दो जीरो उसको भी हटा दीजिए, अगले में भी एक जीरो उसको भी हटा दीजिए, इस तरह के जो मिलेगा वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट फाइव की तरफ, ठीक है ना। फाइव आपका क्वेश्चन नंबर फोर का ही अपोजिट है। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी यहाँ पे आपको वहाँ असेंडिंग बनाना था तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, और जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना होता है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लेते हैं, फिर उससे स्मॉलेस्ट होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर ए का क्वेश्चन है 30.34.3, 344.34, 4.34, 4.44, 4.44, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको लाइक टर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए फाइव का है आपकी स्क्रीन पर, 34.30, 344.34, 4.34, 4.43, 3.44। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, ये 34 है, ये 344 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, तो सबसे ग्रेटर नंबर क्या हुआ? 344। तो सबसे पहले इसको लिखिएगा, इससे स्मॉलेस्ट आइए 443, ये सब छोटे नंबर हैं, ये 34 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए दो 4 है एक 3, 3 तो छोटा हो गया, दोनों 4 में देखिए डिसाइड करिए, ये 4.34, ये 4.4, तो ये ग्रेटर है तो इसका नंबर आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका 3.44 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिपेयर कर लीजिए, 344.34, फिर आएगा 34.34, 4.43, इस तरीके। फिर उसके बाद जब उसके नीचे वाला नंबर आप बनाएंगे तो उसी जीरो को हटा के सेम वही नोट करते चले जाएंगे, सिर्फ जीरो हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी का भी सॉल्यूशन देखिए। बी तो आपका बहुत सिंपल है, उस वो लाइक टर्म में ही है, उसको आप बना लीजिए। सी में हम बता देते हैं, सी देखिए 0.01, 1.1, ओके, 1.001, 11.01, 0.011। पहले आप लाइक टर्म बनाइए, 0.010, ठीक है ना, एक जीरो लगाइए, इसमें दो जीरो लगाइए, इसमें कोई नहीं लगे, इसमें एक जीरो, इसमें भी कोई नहीं। अब देखिए सबसे ग्रेटर 1, 1, 11, 11 आया ना, तो 11 सबसे ग्रेटर है, 11.010 हो गया।
फिर वन में डिसाइड करिए, वन दो जगह यहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है, तो 1.100 तो 1.100 होगा, फिर 1.001 होगा। अब जीरो वाले में डिसाइड करिए, 0.011 0.101, तो ये आपका स्मॉलेस्ट है ये ग्रेटर है, तो 0.011 उसके बाद फिर जीरो का आप हटा के राइट कर दीजिए, जो जीरो आप हटा के राइट कर देंगे तो आपका सी का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, इस तरीके आपका एक्सरसाइज 8B मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा वीडियो से, फिर उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप ट्राई करिएगा। जब आप जितने बार इसको रिवाइज करेंगे, जितने बार इसको ट्राई करेंगे, उतना आपके लिए बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ओके ना, तो इस तरीके एक्सरसाइज 8B को कंप्लीट करिए और इसको सबमिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।